झांसी में नगर निगम ने अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन मकान की दीवारें जमींदोज की। शहर कोतवाली क्षेत्र के बंगला घाट में स्थानीय निवासियों की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई थी। नगर निगम की टीम ने जेसीबी के माध्यम से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। झांसी के माओरानी में दबंगों ने ग्रामीण से मारपीट की, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित के परिजन मारपीट में घायल व्यक्ति को अचेत अवस्था में कोतवाली लाए तो पुलिस ने घायल को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने देवरिया के कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ता भवन का लोकार्पण किया, जहां कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बहराइच कांड पर कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उच्च स्तरीय जांच जारी है। मिर्जापुर में मंझुआ विधानसभा उपचुनाव के पहले दिन 12 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र भरे, जिसमें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार शामिल हैं। नामांकन प्रक्रिया 18 से 25 अक्टूबर तक चलेगी, जबकि भाजपा ने अभी तक अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। विंध्याचल धाम में अकोड़ी गांव से आए मार्कंडे सिंह की बाइक के धक्के से 6 वर्षीय बालक को धक्का लग गया, जिस पर बालक के परिजनों ने व्यक्ति की लाठी डंडों से के साथ मारपीट की। मारपीट की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामला शांत कराया। कौशाम्बी में एंटी करप्शन टीम ने हाईवे पर ओवरलोड वाहनों से 5,000 रुपए की अवैध वसूली की जा रही थी। 7 पसार जो पुलिस और परिवहन विभाग के एजेंट थे के साथ सामने आए ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर कमलेश पांडे की गिरफ्तारी के बाद दूसरा पूरा गैंग उजागर हुआ। एसपी ने मामले की जांच के लिए एसआईटी टीम गठित की है। फरुखाबाद में जिलाधिकारी डॉक्टर बी के सिंह ने चैनल की खबर का संज्ञान लेते हुए कृषक सरकारी समिति का औचक निरीक्षण किया। खबर में किसानों को खाद न मिलने की समस्या उठाई गई थी। जिलाधिकारी ने समिति सचिव से खाद वितरण के अनुपात की जानकारी ली और किसानों को नियमानुसार खाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। फरुखाबाद में पति से परेशान महिला ने आग लगा ली, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गई। महिला के इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतिका के पिता ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए परेशान करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना सिखेड़ क्षेत्र में कुछ दरिंदों ने एक 5 साल के बच्चे के साथ कुकर्म करने का प्रयास किया, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाए तो दरिंदों ने मासूम को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कल दोपहर में सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना सिखेड़ा के खेड़ी वीरान के जंगल में एक 5 वर्षीय बालक का शव ईख के खेत में मिला है। इस सूचना पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और हम सभी अधिकारियों द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचा गया। मौके का जो है वो बारीकी से मुआयना किया गया और जो घटनास्थल है उसका मुआयना करने पे 2 चीज़ें स्पष्ट हुई। एक चीज़ ये कि जहां पे बच्चे का शव बरामद हुआ है वो मेन चलने वाले रास्ते से ईख के खेत के अंदर जहाँ घनी ईख उगी हुई थी उसके अंदर लगभग 100-125 मीटर था, तो वहाँ उस घटनास्थल पे किसी को बच्चे के बारे में सूचना मिलना ऐसे व्यक्ति को ही हो सकता है जिसको उसके बारे में पहले से जानकारी रही हो। उसके बाद में जब मौका घटनास्थल का मुआयना किया गया तो वहाँ से कुछ कैंडीज बरामद हुई, जो ब्लेड जिससे गला रेता गया था वो ब्लेड वहाँ से बरामद हुई। कानपुर में राष्ट्रीय महिला परिषद ने आनंदपुरी जैन मंदिर में डांडिया उत्सव और हल्दी कुमकुम कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्य अतिथि सुनील निधि अवस्थी ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। उन्होंने इसे सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सहेजने का महत्व बताया। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए मृतक रामगोपाल मिश्रा और घायलों के परिजनों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने को लेकर उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण संरक्षण एक्ट लागू करने की मांग को लेकर ब्राह्मण महासभा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम कानपुर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। महुआ में दिन दहाड़े एक दुकान के अंदर घुसकर बदमाशों ने दादी पोते के साथ मारपीट की, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख पुकार सुनकर मोहल्लेवासियों ने बामुश्किल दोनों को बचाया। यही नहीं, आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले भी कर दिया। महुआ में दलित फल व्यापारी को घेर कर असलाधारी दबंगों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। नगदी सहित सोने की चेन को अंगूठियां लूट ली। इस दौरान आसपास के लोगों के इकट्ठा होने पर सभी आरोपी धमकाते हुए फरार हो गए। पीड़ित व्यापारी ने 6 नामजद सहित 10 लोगों के खिलाफ लूट और मारपीट की तहरीर दी है। फरुखाबाद में पुलिस लाइन फतेहगढ़ में खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, जिसमें 8 जनपदों की टीमों ने भाग लिया। जिलाधिकारी डॉक्टर वी के सिंह ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता में कबड्डी, खो खो, फेंसिंग और जिम्नास्टिक की प्रतियोगिताएं आयोजित हुए। जालौन में पुलिस ने उरई कोतवाली क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 5 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया।